बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट वन, और इसके अंदर हमारा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक मॉडल। इसके अंदर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक मॉडल हैं क्या, इसकी कितनी इकसाम हैं, और जनरल मॉडल क्या होता है, और उसके बाद जो है पार्शल जो है इक्विलिब्रियम क्या है ये। उसके बाद फिर हम इसके अंदर देखेंगे ये दो किस्म के मेथड हैं, एक को हम बोलते हैं डिडक्शन मेथड, एक को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। फिर हम ये देखेंगे कि एक इकोनॉमिक मॉडल किस तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। और फिर हम जो जो है इंडोजनस वेरिएबल और एक्सोजनस वेरिएबल, इसके मतलब भी सीखेंगे कि ये वेरिएबल होते क्या हैं। फिर स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, ये कुछ आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लर्न करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इकोनॉमिक मॉडल से, इकोनॉमिक मॉडल होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ जो है मैं वाइट बोर्ड के ऊपर आप लिखता भी जाता हूँ और आप मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उसको लिखते भी चले जाएं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक मॉडल, ये इकोनॉमिक मॉडल क्या है। ये पेज मेरे पास जो पेज नंबर है वो पेज है 14, पेज नंबर 14 के ऊपर इकोनॉमिक मॉडल। बात करेंगे इसके ऊपर इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल की आपने एक डेफिनेशन पुट करनी है और फिर साथ आपने इसकी एग्जांपल भी कोट करनी है। ये इकोनॉमिक मॉडल जो है ये आपको बताता है, इकोनॉमिक रियलिटी बताता है। इकोनॉमिक मॉडल आपको बताता है कि एक जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से जो है अपनी प्रोडक्शन कर रही है, उसका जो प्रोडक्शन का तरीकेकार है वो क्या है, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगा रही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा रही है, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या रियलिटी है, ये आपने जो है इसके अंदर डिस्कस करना है। तो आप देखें ये एक दो डेफिनेशन दी गई हैं आपकी बुक में, तो आप दोनों डेफिनेशन में से एक को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। एक्ले गार्डनर क्या कहता है पेज नंबर 15 पे, एन इकोनॉमिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इकोनॉमिक फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या है ये सेट है आपकी, किस चीज का सेट है, इकोनॉमिक फंक्शन रिलेशनशिप, जो आपकी इकोनॉमी के फंक्शंस हैं उसका एक सेट है। फिर मैक डॉगलस डॉगल क्या कहता है, एन इकोनॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक रियलिटी। बात समझ में आ गई यहां तक कि ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपकी जो जो है आउटपुट, जो प्रोडक्शन है,
सर्विसेज है उसका जो पैटर्न है, ये इकोनॉमिक मॉडल आपका वो बताता है। अगर आप देखें स्टार्ट पे देखें इसके, तो एन इकोनॉमिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ इक्वेशंस एंड फंक्शनल रिलेशंस व्हिच एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी और सम इकोनॉमिक यूनिट। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेन करता है ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन करता है ये किस चीज को, जो ऑपरेशन है इकोनॉमी के, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है जी, ये जो आपकी इकोनॉमी के ऑपरेशंस हैं, फंक्शनल जो रिलेशंस हैं, उस चीज को जो है आपका इकोनॉमिक मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यहां तक किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एक जो है वो आपने इसमें पुट करनी है डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया अभी एकले गार्डनर की डेफिनेशन है और मैक डॉगल्स की है, तो आप इनमें से एक या दोनों को तैयार करके आप इसमें पुट करें और फिर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद फिर इसकी आगे आ जाती है टाइप्स। ठीक है जी, इसकी आ जाती है आगे टाइप्स। तो टाइप्स के अंदर हम लेते हैं, एक हम ले लेते हैं माइक्रो मॉडल और दूसरे पे हम ले लेते हैं मैक्रो। ये दो तरह के हमारे पास जो है मॉडल आ जाते हैं, एक आ जाता है माइक्रो और दूसरे नंबर पे आ जाता है मैक्रो। अब ये माइक्रो के अंदर क्या है ये हम देखते हैं। मैक्रो जो मॉडल है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल, माइक्रो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इसके अंदर हम कंज्यूमर का देखते हैं, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, फर्म का क्या बिहेवियर है, और फिर हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके जो आप बिहेवियर देखते हैं, तो इस तरह का ये जो एनालिसिस होता है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल में आ जाता है। देखिए जी बुक के अंदर क्या कहा गया है, पेज नंबर 15 है, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल, इन दीज मॉडल्स वी डिस्कस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी लाइक कंज्यूमर, फर्म्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। These models become helpful. These models become helpful in understanding the working of a firm, behavior of a consumer, determination of prices of goods, determination of factor of prices. ठीक है, जो individual का जो result होता है उसकी अगर हम कोई economic conditions, economic behavior show करना हो तो फिर जो हम model बनाएंगे वो आपका कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल। अब दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। तो ये कौन सा मॉडल है, ये एग्रीगेट आपकी जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं उसका एग्रीगेट, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं अगर उसको एज ए एग्रीगेट आप देखना चाहें, एग्जामिन करना चाहिए, तो फिर ये जो मॉडल आपका बनेगा वो बनेगा मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है जी, जैसा कि आप नेशनल इनकम का देखना चाहते हैं। अब इसमें देखें, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स लाइक एग्रीगेट्स कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एंड जनरल प्राइस लेवल।
मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स आर मोस्टली इम्प्लॉयड इन इकोनॉमिक प्लानिंग. द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आर्थर बॉले. इसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया कॉलिन क्लार्क ने और लॉर्ड स्टैम्प ने. हुएवर दे गोट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस आफ्टर जे एम केन्स जनरल थ्योरी. ये हमारे कुछ मॉडल थे जो हम देखते हैं माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे. ठीक है जी. उसके बाद हम फिर आप देखते हैं कि आपका एक इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी आता है जो प्रोफेसर डब्ल्यू लियोंटिफ ने जो है वो बताया आपको. इनपुट आउटपुट का जो है वो एनालिसिस मॉडल वो भी आपका इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में आता है. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एनालिसिस और भी दो तरीके से होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम. इसको आप डिवाइड कर सकते हैं मजीद दो किस्म में. एक को हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल ठीक है जी, पार्शियल आपका इक्विलिब्रियम मॉडल, और दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल. एक मैं लेता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, टेस्ट. ये मैंने एक जो है वो फंक्शन लिया. क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, अच्छा चलें डोंट वरी. अब आपको यहाँ समझ आ रही है जो मैंने अभी तक बताया है आपका. ये वीडियो आप ना फिर बाद में देख लीजिएगा, जो आपका मिस हुआ होगा आप उसमें से वो वीडियो को शुरू से देखेंगे, फिर आपका जो मिसिंग होगा वो भी आपको पता चल जाएगा. अच्छा, अब इसके अंदर हम फिर आगे इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. एक को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल, दूसरे को हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल. अब इसके लिए जो है मैंने मॉडल बनाया. क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर. अब आप अगर इन तीनों को कांस्टेंट कर देते हैं, इन तीनों को आप फिक्स्ड कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ ये एक ही फंक्शन आ जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. तो ये जो आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल. पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल, पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल यानी कि आप कुछ वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और बाकी जो होता है एक या दो उसके ऊपर जब आप एनालिसिस करते हैं, उसका फंक्शन रिलेशन चेक करते हैं, तो वो आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल कहलाता है. ठीक है, जिस तरह ये हम बताया. अब जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल क्या होगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे, वो आपका जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल कहलाएगा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको. आप देखें जी, पार्शियल के अंदर क्या था, इन सच मॉडल टू और अ फ्यू वेरिएबल्स आर सिलेक्टेड वाइल रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर केप्ट फिक्स्ड. एक या दो आप उनको ले लेते हैं सिलेक्शन के लिए, सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो आप उनको फिक्स्ड कर देते हैं, जिस तरह भी हमने बात की. पेज नंबर 16 है जी मेरे पास.
देन अ फंक्शनल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश बिटवीन दी सिलेक्टेड वेरिएबल्स ऑफ द मॉडल एज वी हैव कंप्लीट डिमांड फंक्शन क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इनकम एंड टेस्ट. ठीक है, ये अभी जो मैंने बात की है. उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं. वो क्या है जनरल इक्विलिब्रियम? द जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी. सच मॉडल्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, जिस तरह अभी हमने बात की, अगर ये जितने भी वेरिएबल हैं सब सारे का में अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, तो फिर ये आपका जो कहलाएगा जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल कहलाएगा. अगर आप इनमें से एक या दो या तीन को जो है वो कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो फिर आपका ये जो मॉडल कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम मॉडल कहलाएगा. यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. पहले मैंने बताया कि एक इकोनॉमिक मॉडल होता क्या है, फिर मैंने उसकी दो टाइप्स आपको बताई, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल, फिर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल. उसके बाद फिर मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे. उसके बाद अगली हम बात करते हैं कि ये जो डेरिवेशन ऑफ एन इकोनॉमिक मॉडल है, इसको आप दो हिस्सों के अंदर जो है मेथड, इसके जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के मेथड इस्तेमाल होते हैं. जब आप बिल्डअप करते हैं इसका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डअप करने लगते हैं, तो आपके पास दो तरह के मेथड आ जाते हैं. आपके पास जो आते हैं वो दो तरह के मेथड आते हैं. एक को आप बोलते हैं डिडक्शन मेथड, एक को हम बोलते हैं डिडक्शन मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड. दूसरे को हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड. ठीक है जी, अब पहले जो डिडक्शन मेथड है उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम जो है इंडक्शन मेथड को समझेंगे. डिडक्शन मेथड क्या है? इसके अंदर आप आम जो है, ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी जो हकीकत है, ऑर्डिनरी ट्रूथ से जो है आते हैं, किस तरफ आते हैं, स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ आते हैं. ठीक हो गया. डिडक्शन मेथड में ऑर्डिनरी ट्रूथ से ऑर्डिनरी जो रिजल्ट्स हैं, ऑर्डिनरी रिसर्च, उससे आप आते हैं स्पेसिफिक रिजल्ट की तरफ, तो ये आपका कहलाता है डिडक्शन मेथड. जिस तरह अगर आप देखते हैं कि हम केन्स जो है, जे एम केन्स की एग्जांपल लेते हैं, जे एम केन्स ने जो है वो एक सच्चाई बताई. उसने जो है पेज नंबर 16 है जी मेरे पास, कहता है एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, इसने एक दी एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी केन्स ने जो है वो बताई. इसके अंदर वो क्या कहता है, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी के अंदर वो कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल ऑब्जर्वेशन कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. क्या कहता है कि कंजम्पशन डिपेंड ऑन इनकम, ये इसका था कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. ठीक है, अब ये इसने जो है एक सच्चाई बताई, कहते हैं कि कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी. इस तरह इस सच्चाई से जो है वो फिर आया, उसने अपना बताया एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी पेश की. केन्स ने
एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी पेश की, इसके बिहाफ पर जो बेस बनी वो बेस बनी ये कि उसने पहले इसको बयान किया कि कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, अलोंग विद इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजिज, ठीक हो गया। इसके ऊपर फिर उसने थ्योरी पेश की एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। अब इस मेथड को हम बोलते हैं डिडक्शन मेथड, ठीक है। ऑर्डिनरी से स्पेसिफिक की तरफ आया, ऑर्डिनरी से स्पेसिफिक की तरफ आया। इसके अंदर केन्स ने कोई स्टैटिस्टिकल डाटा पेश नहीं किया इसके सपोर्ट के, सपोर्ट में जिस तरह कोई थ्योरी होती है उसको साबित करने के लिए फिर स्टैटिस्टिकल डाटा पेश किया जाता है, एम्पिरिकल स्टडी जो है वो लाई जाती है, कोई ना कोई जो डाटा होता है उससे ला के उसको वेरीफाई किया जाता है। तो केन्स ने, आप चार किस्म की इनकम थ्योरीज पढ़ेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इसके अंदर उसमें से एक थ्योरी ये है एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, सिर्फ ये एक वाहद थ्योरी है जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा पेश नहीं किया गया। इसलिए ऐसा मेथड जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल डाटा पेश नहीं करते वो आपका मेथड कहलाता है डिडक्शन मेथड कहलाता है। इसके अंदर आप आम जो है एक ऑर्डिनरी लाइफ से जो इवेंट है, ट्रूथ है, उसको लेके आप थ्योरी पेश कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिडक्शन मेथड। ये क्लियर हो गया आप बात। अब इंडक्शन मेथड इसके ऑपोजिट, इंडक्शन मेथड क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट आ जाएगा इंडक्शन मेथड। ये उससे ऑपोजिट है। आप क्या करते हैं, आप स्पेसिफिक रिजल्ट से आप आते हैं ऑर्डिनरी रिजल्ट पे, ठीक है। इसमें आप करते हैं स्पेसिफिक से आप आते हैं किस साइड पे आते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं या लॉ की तरफ आ जाते हैं, ट्रूथ की तरफ आते हैं। अब इंडक्शन मेथड में होता गया, इंडक्शन मेथड में आपको अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा पेश किए जाते करता है करना पड़ता है। इसमें आप स्टैटिस्टिकल डाटा आप पेश करते हैं और इसके बिहाफ पर, ठीक है, इसके बिहाफ पे जो है फिर आप आगे थ्योरी पेश करते हैं या आप रिजल्ट निकालते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा के बिहाफ पर। तो इसलिए ये स्पेसिफिक से आप ऑर्डिनरी की तरफ आते हैं। और आजकल जितने भी मेथड हैं, जितनी भी स्टडी है, वो सारी की सारी इंडक्शन मेथड है। जो आप बिल्डअप करते हैं, जो मॉडल बिल्डअप होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, वो सारी की सारी इंडक्शन मेथड के थ्रू होती हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल डाटा पेश करना पड़ता है। अब देखिए क्या जी इंडक्शन, अंडर दिस मेथड अ सिंपल लॉ इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। When we follow this method, we do the followings. The fact are selected. The statistical data is collected regarding the selected fact. After the analysis of such statistical data, if we find some specific conclusion and on the basis of such special. हाँ, इसके अंदर जो है आप एक और income theory पढ़ेंगे जो है आपकी life cycle theory. इसके अंदर आप लाइफ साइकिल थ्योरी, अब लाइफ साइकिल थ्योरी आपकी ये कहती है कि लॉन्ग टर्म पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे देयर एग्जिस्ट अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कहते हैं लॉन्ग रन पे आपका जो है वो रिलेशन जो कायम होता है वो इनकम और कंजम्पशन का,
कंजम्पशन और इनकम के दरमियान जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ये आप जो है चार जो मैंने आपको बताई हैं थ्योरीज हैं वो आप जाके पढ़ेंगे, उनमें से दो थ्योरीज का जिक्र इधर हो गया, एक एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी होगी, दूसरी लाइफ साइकिल थ्योरी होगी। तो इसके बिहाव पे फिर आप आगे रिजल्ट आगे निकालते हैं, फिर आप कहते हैं ठीक है, टू अराइव एट सच कंक्लूजन मोडिग्लियानी कलेक्टेड स्टैटिस्टिकल फिगर्स एंड देन कंक्लूडेड सिंपल लॉ स्टेटिंग प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। बिहाफ क्या था ये, स्टैटिस्टिकल डाटा उसके बिहाफ पे। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं बिल्डअप करने लगे हैं। मैंने आपको बता दिया कि डिडक्शन मेथड नहीं आजकल अप्लाई होता, अब जो चलता है वो इंडक्शन मेथड चलता है। अब हमने जो है वो बिल्डअप करना है इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल जो है बिल्डअप करना है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डअप। इसके चार पॉइंट्स हैं जी, आपने इकोनॉमिक मॉडल जब बिल्डअप करना है, चार पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अब बिहेवियर और स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्टन वेरिएबल्स। और स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्टन वेरिएबल। दूसरे नंबर पे जो आप लेते हैं वो लेते हैं अजम्पशंस। तीसरे नंबर पे जो आप बनाते हैं वो आप बनाते हैं इसका हाइपोथेसिस। चौथे नंबर पे आप इसकी प्रिडिक्शन कर देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं। ठीक है जी, ये चार स्टेप हैं। अगर आपने एक इकोनॉमिक मॉडल बिल्डअप करना है तो उसके अंदर ये चार स्टेप जो है वो आपको करने होते हैं। इकोनॉमिक जो है बिल्डअप करने के लिए आपको चार जो है वो स्टेप लेने होते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं, आपको मॉडल के लिए जो है वो लेने होते हैं वेरिएबल लेते हैं। जैसा कि अगर आप कहते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो आप देखिए इसके अंदर आपने वेरिएबल्स लिए, एक आपने कंजम्पशन के लिए वेरिएबल लिया और एक आपने इनकम के लिए वेरिएबल लिया। इस तरह इनके दरमियान जो है एक मैथमेटिकल जो है आप इक्वेशन बनाते हैं, ये वेरिएबल्स चूज करते हैं और फिर आप उनकी जो है एक स्टेटमेंट डिवेलप करते हैं, जिस तरह कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। दूसरे नंबर पे फिर आप क्या करते हैं, आप अजम्पशंस बनाते हैं कि भी ये मेरा जो मॉडल है ये जो है वो अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग जो है विल रिमेन कॉन्स्टेंट। जिस तरह आपने आगे वो पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा, तो उसके अंदर आप ये कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब ये अदर थिंग्स क्या होती हैं, ये आपकी अजम्पशंस होती हैं जो आप कहते हैं कि दूसरी चीजें चेंज नहीं होंगी, तब मेरा ये जो लॉ है, मेरा ये मॉडल है, ये अप्लाई होगा। अब आप यूं भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो है नॉर्मल एक्टिविटी प्रीवेलिंग, जिस तरह आप देखें इसमें अजम्पशन उसने कुछ ली है, जिस तरह के नॉर्मल कंडीशंस प्रीवेल इन द इकोनॉमी, कि नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए प्रीवेल इन द इकोनॉमी, देयर इज नो हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, कि रैपिड इंक्रीज इन प्राइसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ जाएं तो वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। दूसरी अजम्पशन क्या मतलब ले रहा है, देर इज नो हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। नंबर थ्री, देर इज नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस तरीके से आप जो है कुछ अजम्पशंस डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, कि वो जो आपका मॉडल है
उसको आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसको आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसा कि द हाइपोथेसिस एक्सप्रेसिस द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द मॉडल फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम देखें तो आपने ये एक स्टेटमेंट दी, वी फाइंड दिस हाइपोथेसिस डेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। आप ये एक हाइपोथेसिस दे देते हैं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, गिर जाती है। इस तरीके से आपने वो जो अपना मॉडल है उसको एक आप स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट के लिए फिर जो है आप स्टैटिस्टिकल डाटा के जरिए आप उसको टेस्ट करेंगे। जब वो ठीक निकलेगा तो फिर आप प्रिडिक्शन कर देंगे। प्रिडिक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एलिमेंट एंड फैक्ट वी कैन डिड्यूस आ रिजल्ट एज द केस ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन केन्जियन प्रिडिक्ट दैट देर एग्जिस्ट आ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जब आप उसको फिर टेस्ट करते हैं, जब वो टेस्ट पे पूरा आ जाता है तो फिर आप प्रिडिक्शन कर देते हैं कि, और वो जो है वो फिर इकोनॉमिक मॉडल जो है वो मान लिया जाता है। लेकिन जी ये हमने जो है इकोनॉमिक मॉडल को बिल्डअप करने का तरीका भी सीख लिया। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ का नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने आगे जो है इसका निकालें, पेज नंबर आ जाएं इस पे आप आए। अच्छा जी, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने कहा था ये आपने खुद पढ़ना है। फिर अब आप आए स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ये क्या होते हैं, पेज नंबर 13 पे आ जाएं। स्टॉक एंड वेरिएबल, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। अब स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल क्या आता है कि अगर आप मालूम करते हैं एट स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, स्पेसिफिक टाइम, अगर हम एक चीज की मेजरमेंट करते हैं एट स्पेसिफिक टाइम पर, तो वो आपका जो है स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा। अगर हम ड्यूरिंग टाइम उसको लेंगे, ड्यूरिंग टाइम, तो वो फिर आपका फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब देखें इसको, वेरिएबल का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती है। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच गोज ऑन टू चेंज एंड मे अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज। द वेरिएबल मे बी द स्टॉक एज वेल एज द फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच डू नॉट हैव एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन। स्टॉक के अंदर टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वाइल द फ्लो वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच आर अटैच विद द टाइम एलिमेंट। ये टाइम एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। एज द वेट ऑफ अ कार, अगर हम कहें कि कार का जो वेट है वो आपका स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा। वाइल द स्पीड ऑफ अ कार इज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो ये मजीद इसको पढ़ लीजिएगा। अगली हम बात करते हैं इंडोजनस और एक्सोजनस वेरिएबल। इंडोजनस और एक्सोजनस, इंडोजनस एंड एक्सोजनस। अब इंडोजनस वेरिएबल क्या होता है, अब हम एक मिसाल लेते हैं, वाई इक्वल है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इंडोजनस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसका सॉल्यूशन सेट आप उस मॉडल के अंदर वेरिएबल की मदद से मालूम कर लें। अगर उसका सॉल्यूशन सेट इस मॉडल के वेरिएबल के अंदर ही होगा तो फिर आपका वो इंडोजनस वेरिएबल कहलाएगा। जिस तरह के वाई, वाई वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है। अगर आप कंजम्पशन लेट से पुट करते हैं ये 660 है और इन्वेस्टमेंट आप लेते हैं 40 लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 100। तो इसका मतलब है कि आपने इनकम जो मालूम की कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की मदद से, तो ये इनकम जो है वो आपका जो वेरिएबल कहलाएगा इंडोजनस वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू इकोनॉमिक मॉडल के अंदर ही मौजूद हो, उस इकोनॉमिक मॉडल की मदद से अगर आप वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका इंडोजनस वेरिएबल कहलाएगा। एक्सोजनस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है इसके अंदर मौजूद ना हो, बल्कि आप आउटसाइड फोर्सेस की मदद से जो है उसकी वैल्यू मालूम कर सकें। जिस तरह के आपके मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट 40 है, और ये कैसे इन्वेस्टमेंट 40 बनी है वो हमें मालूम नहीं है, तो अगर इसको इसकी हम बात करेंगे तो ये आपका एक्सोजनस वेरिएबल कहलाएगा, कि इसको मालूम करने के लिए आउटसाइड की फोर्सेस से आपको देखना पड़ेगा। ये आपका जी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, बाकी इसमें जो एक छोटी मोटी चीज़ रह जाएगी वो आपने जो है उसको खुद जो है वो कवर कर लेना है, पढ़ लेना है। बाकी इसमें आई होप के मेन जो टॉपिक हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। ये हमने जो है वो इसको डिस्कस किया है, इकोनॉमिक मॉडल देखे हैं, उसकी टाइप्स देखी है, फिर हमने इकोनॉमिक मॉडल बिल्डअप करने का तरीका भी सीखा है, फिर हमने इंडोजनस वेरिएबल, एक्सोजनस वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल के मतलब भी डिस्कस किया है। आप इसको वीडियो को पूरी को देखें, जिसका ना पता चला है फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये हमारी डे सीरीज चल रही है, डे सीरीज का ये आपका जो है वो 12th जो है वो मैंने वीडियो जो है वो लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये डे सीरीज के हवाले से आप यूट्यूब में जाकर ये प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।